आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृति विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने भू धातु के जो कि परस्मै पद का है इसके पांच लकारों को पढ़ लिया। पांच लकार और होते हैं पर मेरा ऐसा मानना है कि पहले हमें एध पढ़ना चाहिए और दूसरी धातुओं को भी कुछ पढ़ लेना चाहिए, समय बचेगा तो फिर उसको भी देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये पांच हमने जो पढ़ लिए वो महत्वपूर्ण हैं और अनुमानित रूप से जो दो आते हैं भू से वो आने चाहिए इसमें से। तो अब हम आगे चलते हैं, वो एध है। परस्मै पद से हम आत्मने पद में आते हैं। आत्मने पद में जैसा कि आपको ध्यान होगा, तीन प्रत्यय जो हैं इसके पहले जो नौ हैं तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, ये तो परस्मै पद के प्रत्यय हैं। और दूसरे जो नौ हैं त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिं, आत्मने पद के प्रत्यय हैं। पहले नौ तो परस्मै पद के हैं, दूसरे जो ये त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिं, ये नौ आत्मने पद के प्रत्यय हैं। तो जब हम एध का शब्द रूप पढ़ते हैं तो एध का धातु रूप पढ़ते हैं तो वह होता है, यदि देखें एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में अगर इसका चार्ट बनाया जाए तो प्रथम पुरुष में है एधते एधेते एधन्ते, मध्यम पुरुष में है एधसे एधेते एधध्वे और उत्तम पुरुष में है एधे एधावहे एधामहे। तो एधे एधावहे एधामहे। तो क्या हुआ, ध्यान करिए कि यदि एधते है तो एधते में त है, एधेते में क्या है, एधेते में त आताम है और एधन्ते में झ है, त आताम झ, एधसे में थास है, एधसे एधेथे, एधेथे में आथाम है, एधध्वे ध्वम है, एधसे एधेथे एधध्वे, फिर है एधे 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 एधावहे एधावहे एधे एधावहे एधावहे। तो एधे क्या हुआ, इट एधावहे वही और एधामहे मही। तो इस तरह से इसमें प्रत्यय लगे हुए हैं। तो अभी हम एधते धातु रूप पढ़ेंगे। तो एधते जैसा कि हम जान गए कि एधते आत्मने पद का है, तो एध धातु से कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में है, लट लकार है, तो लट लकार है, लिखना चाहिए था मुझे उसमें डीपी में पीडीएफ में, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, लट लकार एधे आत्मने पद। तो एधते जो है ये लट लकार का है, तो क्या लिखेंगे, लट लकार किसमें है, वर्तमान काल में। तो एध धातु से कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में, और वर्तमान काल का क्या है वो सूत्र, वर्तमाने लट सूत्र से लट प्रत्यय का योग हुआ, और लट प्रत्यय का योग हुआ तो लट में अ और ट अ की उपदेश जननासिकित से और ट की हलंत्यम सूत्र से, पहले भी पढ़ते आए हम, हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाएगा, ल बचेगा, तो एध प्लस ल। अब ये जितने भी प्रत्यय हैं तिप तस्जी सिप थ स मिप व स्मस् त आताम झ था सा साम ध्वम इट वही मही, ये 18 प्रत्यय इसी ल के स्थान पर ही आते हैं। तो यहाँ पर एधते क्या है, आत्मने पद प्रथम पुरुष का एक वचन। तो आत्मने पद प्रथम पुरुष एक वचन में
तिप्तर जी सूत्र वही रहेगा, तिप्तर जी सूत्र से ल के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आया, त, प्रथम पुरुष एकवचन में त ही है ना, तो त आया, तो एध प्लस त, ल के स्थान पर त आ गया। अब त के तिंग शित सार धातु कम, चूंकि त तिंग का है ना, तिंग में सारे आते हैं 18 प्रत्यय, तो तिंग शित सार धातु कम सूत्र से त की सार्वधातुक संज्ञा हो गई और उसके परे रहते कर्तरीषप सूत्र से, उसके परे रहते कर्तरीषप सूत्र से एध को शप का आगम हुआ, शप श अ और प, तो श की तो लशक को तद्वित सूत्र से संज्ञा हो गई, प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई, दोनों का तस्य लोप सूत्र से लोप हो गया, अ बचा, तो एध प्लस अ प्लस त, एध प्लस अ प्लस त, अब मिला दिया तो एध प्लस त हो गया। अब ध्यान करना है कि त क्या है, त किसकी जगह पर आया है, लट की जगह पर, लट में ट की संज्ञा हुई है, तो लट क्या है, टित है, लट क्या है, टित है। तो त का जो अंतिम अक्षर है वो है अ, जो अंतिम अक्षर होता है यदि वह स्वर है अ, त में अ है तो वही टी होगा, और अगर मान लो उसके आगे कोई व्यंजन है तो वो दोनों टी हो जाएंगे। जैसे कि मान लो हम कहें कहें कि करिन, करिन क र ई न, तो ई और न दोनों टी होंगे, अंतिम अच या अंतिम अक्ष के साथ उसके आगे वाला व्यंजन, दोनों ये दोनों ही टी होते हैं, या तो अंतिम अच टी होगा या अंतिम अच से अच के साथ जो आगे वाला व्यंजन है। मान लो कल्पना करते एक शब्द है भवत, तो भवत अभवत, मान लो अभवत, अभवत में अ भ व के बाद जो अ और हलंत त है अत, वो टी होगा, तो इस तरह से हो जाएगा टी। तो जो यहाँ त का टी है वो क्या है, वह अ है, और उस अ का तित आत्मने पदानाम टेरे, उस अ का ए हो जाता, और भी कुछ होगा तो भी उसका ए हो जाएगा, यहाँ अ है इसलिए इस अ का ए हो गया, तो त अ है त, अ की जगह ए हो गया तो ते हो गया, तो ए ध प्लस ते बराबर ए ध ते इति सिद्धम, ए ते रूप की ऐसे सिद्धि। इसको एक बार फिर से समझते हैं। पहली बात तो अपने को यह ध्यान में रखने की है कि परस्मय पद के प्रत्यय तिप तजी सिप थ मिप वस्मस हैं, आत्मने पद के प्रत्यय त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महीन। हम आत्मने पद के प्रत्ययों के आधार पर एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेथे एधध्वे एधे एधावहे एधामहे पढ़ें, ठीक है, किसके आधार पर, इसके आत्मने पद के आधार। तो मान लीजिए एधते है तो इसमें त लगा है, एधते एधेते है तो उसमें आताम लगा है, एधते एधन्ते लगा है तो उसमें झ लगा है, एधसे में थास है, एधेथे में आथाम है, और एधद्वे में ध्वम है, एधे में इट है, एधावहे में वही है, और एधामहे में महीन। हम पढ़ रहे हैं अभी एधते, एधते में धातु कौन सी है, एध, तो एध धातु से, और चूंकि ये लटलकार है वर्तमान काल है, तो लटलकार वर्तमान काल में लटलकार है, वर्तमान है लट से लट आ गया, लट में तीन अक्षर है ल अ और ट, तो अ की उपदेश जरुनाशिकित से और ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होकर तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा, ल बचेगा, तो एध प्लस ल हो गया। अब एध प्लस ल, अब इसी ल के स्थान पर प्रत्यय आते हैं, तो आत्मने पद प्रथम पुरुष एक वचन में ल के स्थान पर त आ गया,
ल के स्थान पर क्या आया? तो एद प्लस त हो गया। अब ये त तिंग का ही है, तिंग मतलब तिप्त के ती से लेकर महिंग के गत, यानी 18 प्रत्यय तिंग में आते हैं, तो त भी उसमें ही है, तो त तिंग ही है। तो तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से तिंग की सार्वधातुक त की सार्वधातुक संज्ञा हुई, और उसके परे रहते एद को कर्तरी शब्द शप आया। पहले भू में भी भवती बना था, उसमें भी आया, तो शप आया। तो शप में श और प, श अ और प तीन अक्षर हैं, तो श की लसक पद्धति से और प की हलंत्यम सूत्र से एक संज्ञा हो गई, और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो गया, अ बचा। एद प्लस अ प्लस त, अब एध प्लस अ प्लस त, एध तो पूरा हो गया, अब त जो है वह टित आत्मने पदानाम टेरे, त को समझिए, त के अंत में अ है, तो टी जो है वह या तो अ होगा या इससे आगे, मान लो त में तो ये है आताम में, आताम में आ ता आ आताम है, तो आताम में क्या होगा? आम, आम होगा टी, या तो अंतिम अच होगा, स्वर होगा, या अंतिम अच के साथ जो व्यंजन है दोनों, यहां पर त के बाद अ ही है, तो इसलिए जो टी यही अ टी कहलाए। तो टित आत्मने पदानाम टेरे कहता है कि टी में कोई भी हो उस टी का ए हो जाएगा, तो अ है तो अ का ए हो जाएगा, आताम में आम है तो उसका ए हो जाएगा, ध्वम में आम है तो उसका ए हो जाएगा, इस तरह से। यहां पर तो अ है तो इस अ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या बना? एध प्लस ते बराबर एधे, एध ते इति सिद्धम। यहां एक बात यह समझने की है कि यह जो हम त के अ का ए करते हैं, टी का ए करते हैं, ये हम शुरू में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ल के स्थान पर त आया ना, कौन से सूत्र से? तिंगशित सार्वधातुक नहीं, तिप्तजी सूत्र से ल के स्थान पर त आया। हम यहां पर भी त के अ का ए कर सकते हैं इसी सूत्र से, कौन से सूत्र से? टित आत्मने पदानाम टेरे से। तो वहां जब त का ते बन जाएगा तो भी बात वही रहेगी, रहना उसको तिंग ही है, त का जो ते है वह भी तिंग ही होगा। एक देश विकृतम अनन्यवत, अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसके मूल स्वरूप में, मूल प्रकृति में अंतर नहीं पड़ता है। तो त का अ ए हो गया, ते हो गया, तो इसका मतलब ते तिंग नहीं रहा, ऐसा नहीं, ते तिंग ही रहेगा, और ते के परे रहते तिंग शित सार्वधातुकम से ते की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, और उसके परे रहते कर्तरी शब से शप हो जाएगा, तब वहां फिर उसी तरह से शप में श और प निकल जाएगा, अ हो जाएगा। तो एध प्लस अ प्लस ते बराबर एध ते, ऐसे रूप की सिद्धि हो जाएगी। चाहे तो ते पहले कर लें, चाहे ते बाद में करें, बात वही है, एध ते ही रूप बनेगा, एध ते रूप की इसी तरह से सिद्धि होगी। अब इसमें समझने वाली बात तो यह है कि जो त है उसमें दो अक्षर हैं, देखिए त हलंत त और अ, आपको भेजा हुआ है पीडीएफ में देख लीजिएगा, हलंत त और अ है, तो हलंत त और अ, इस अ का ए हो गया, तो हलंत त और ए यही हुआ ना, तो हलंत त और ए, तो इस त में ए जाकर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ते। इस त में ए जाकर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ते। यही बताया, टित आत्म ने पदानाम टेरे जब कहा तो यही कहा कि अ का ए हो गया तो त का ते हो गया, और एध में वो जाके मिल गया तो एध ते, यही इस रूप की सिद्धि है, धातु रूप की सिद्धि है। इसमें आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा, त ताम ज था सम गम इट वही महिंग, ये सब आपको अच्छी तरह से याद करना होगा, और साथ ही साथ जो अपने पहले वाले प्रत्यय हैं इप्त जी सिद्ध समित मस, इसको भी याद करके रखना। इसके अलावा प्रयास यह रहना चाहिए कि
धातु रूप भी याद हो जाए, एदते एदते दत्ते एदसे दत्ते एदेथे एदद्वे एधे एधावे एधावे, ये भी याद हो जाए तो आनंद आए फिर पढ़ने का। ठीक है, अब आगे देखिए। धन्यवाद।